यूक्रेन और रूस के इस घातक जंग के बीच इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन में फंसे इंडियन सिटीजन को वहां से निकालने की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और इंडियंस को बचाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बाद भी यूक्रेन से भारतीयों की वीडियोस लगातार आ रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियंस को बचाने के लिए राइट टाइम डिसीजन नहीं लिया? अब ये क्वेश्चन कितना सही है, इसका आंसर जानने के लिए पास्ट में चलते हैं, उसके बाद आपको इसका जवाब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। मैं गुजरात से हूँ, मेरा घर भरूच में है और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसी हुई हूँ। हम रह रहे हैं टर्नोपिल में, हमारा एड्रेस है चेकी उसको हो त्रेक्सेट देवियर। यूक्रेन में फंसे इंडियंस को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा की तरह, बल्कि इससे बेहतर बचाव अभियान जो भारत सरकार द्वारा इससे पहले कई बार चलाए जा चुके हैं और यूक्रेन में जितने इंडियन फंसे हुए हैं उससे कहीं ज्यादा भारतीय लोगों को सेफली वापस लाया जा चुका है। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए तीन बड़े बचाव अभियान को देखते हैं। साल था 1990 और महीना था अगस्त का। उस वक्त ईरान में सद्दाम हुसैन पावर में थे। 1990 में ईरान ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। उस टाइम कुवैत में करीब 2 लाख इंडियंस रहते थे। हालांकि उस टाइम ईरान और इंडिया का रिलेशन काफी अच्छा था, जिसके चलते ईरानी सोल्जर्स इंडियंस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। लेकिन खाने पीने, रहने और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से इंडियंस वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि निकले कैसे, क्योंकि अमेरिका ने समुद्री इलाकों में किसी भी तरह की हरकत पर बैन लगा दिया था और सद्दाम हुसैन ने फ्लाइट लैंडिंग पर रोक लगा रखी थी, मतलब हवाई और समुद्री दोनों रास्ते बंद थे। जब ये प्रॉब्लम आई उस टाइम भारत में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और इंद्र कुमार गुजराल फॉरेन मिनिस्टर थे। जैसा कि अभी बताया कि 1990 में इंडिया और ईरान के रिलेशन काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से इंद्र कुमार गुजराल ने ईरानी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के साथ मीटिंग की, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत में फंसे भारतीयों को निकालने की इजाजत दे दी। इसके बाद भारत सरकार इस बचाव अभियान को समुद्री रास्ते से चलाना चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, अमेरिका ने तो बैन लगा रखा था। फिर भारत सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें 1,20,000 लोगों को बसों में बैठाकर 1,120 किलोमीटर, वो भी रेगिस्तानी इलाकों से सफर करके जॉर्डन लाया गया और सभी भारतीयों को जॉर्डन में रहने की परमिशन मिल गई। ये जो कहा जाता है कि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान 2014 के बाद मिली, वो सिर्फ एक ढकोसला है। बल्कि अगर देखा जाए तो आज के टाइम पर भारत के अंतरराष्ट्रीय रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और ये जो मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताती है कि मालिक के डंके बज रहे हैं, उसके लिए उन्हें करोड़ों का पैकेज दिया जाता है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये उन दिनों की बात है जब इंडियन एयरलाइंस ने 2 एयरबस A320 खरीदा था, लेकिन उसमें से एक प्लेन का पहले ही एक्सीडेंट हो चुका था और बचे हुए एक प्लेन से इस बचाव अभियान को चलाया गया और 2 महीने तक ये प्लेन 16 से 17 घंटे हवा में रहता था और इतनी मशक्कत के बाद 1,11,000 लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला गया। यह भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। यह तो पहला मौका था। इसके बाद साल 2006 में इजराइल और लेबनान के बीच लेबनान वॉर की शुरुआत हुई। इसकी एक अलग कहानी है कि यह वॉर क्यों शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वॉर घातक होता गया वैसे ही लेबनान के हालात बिगड़ने लगे। उस टाइम लेबनान में करीब 10,000 इंडियन सिटीजन थे, जिसमें करीब 2,000 लोगों की सिचुएशन बहुत खराब थी। इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका के भी लोग लेबनान में फंसे हुए थे। इन देशों ने भी भारत सरकार से अपील करी कि उनके लोगों को भी बचाया जाए। उस टाइम देश में कांग्रेस की सरकार थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 18 जुलाई 2006 को एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया कि लेबनान में फंसे इंडियंस को बचाने के लिए इंडियन नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया
ऑपरेशन सुकून। इस ऑपरेशन में एक बात पर सहमति बनी कि इंडियंस को लेबनान से निकालकर समुद्र के रास्ते साइप्रस लाया जाएगा। साइप्रस के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मोटा मोटा जान लो, साइप्रस तुर्की सीरिया लेबनान के बॉर्डर से लगी एक आइसलैंड कंट्री है जो लेबनान के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर मौजूद है। ठीक, अब आगे देखो। जब लेबनान से निकालकर भारतीयों को साइप्रस लाने का प्लान किया गया तो फिर एक प्रॉब्लम सामने आ गई। प्लान था कि साइप्रस से भारतीयों को फ्लाइट की मदद से भारत लाया जाएगा, लेकिन उस टाइम इंडियन एयरलाइंस साइप्रस जाती ही नहीं थी। ऐसे में इंडियन फ्लाइट को साइप्रस में लैंडिंग की परमिशन ही नहीं मिली, जिसके बाद इंडिया और साइप्रस के बीच बातचीत शुरू हुई और बाद में इंडिया को परमिशन दिया गया, जिसके बाद ऑपरेशन सुकून का लास्ट स्टेप चलाया गया और 2,280 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, जिसमें 1,794 लोग भारतीय थे, 112 श्रीलंकाई और 64 लोग नेपाली थे। इसके बाद एक और ऑपरेशन जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, जिसे नाम दिया गया था ऑपरेशन कमिंग होम। ये बात है साल 2011 की। इस साल 15 फरवरी को लीबिया में, जो उत्तरी अफ्रीका का एक देश है, लीबिया और लेबनान में आप कंफ्यूज ना होना, ये दोनों अलग अलग देश हैं। उस टाइम लीबिया के प्रेसिडेंट कर्नल गद्दाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो आगे चलकर गृह युद्ध में बदल गया। कहने को तो ये गृह युद्ध था, लेकिन इसके पीछे असल खेल CIA का था। अमेरिका कर्नल गद्दाफी को हटाना चाहता था। इसकी भी एक अलग और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, हम बात आगे बढ़ाते हैं। जब लीबिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो उस टाइम वहां पर करीब 18,000 इंडियंस रहते थे। अब देश की सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को सुरक्षित वहां से निकाले, लेकिन निकाले तो निकाले कैसे? लीबिया के दो एयरपोर्ट त्रिपोली और बेनिना। त्रिपोली में काफी अफरा तफरी मची हुई थी, सेम वैसे ही जैसे अभी आपने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देखा था। और दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेनिना का रनवे डैमेज हो चुका था, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया और फंसे भारतीयों को समुद्र के रास्ते अलेक्जेंड्रिया पहुंचाया गया और वहां से एयर इंडिया की मदद से उन सभी को भारत लाया गया। ये भारत सरकार के वो ऑपरेशन है जो सक्सेसफुली पहले किए जा चुके हैं। हाँ, लेकिन यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के बाद जिस तरह जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, ये नहीं किया गया था। हालांकि अभी भी यूक्रेन में काफी भारतीय खतरे में हैं, उन्हें बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है और ये कितना सक्सेस होगा ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।